नमस्कार, मेरा नाम है यशिता नागपाल और स्वागत है आप सभी का बीवीएम न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्राइम ब्रांच फरीदाबाद पुलिस तथा कई विभागों की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन में आज बल्लभगढ़ में कई दुकानों पर छापेमारी की। पुलिस को देखकर ढाबे और कई दुकानों पर काम करने वाले बच्चे मौका पा कर फरार हो गए, जबकि एक दुकान से पुलिस की टीम ने एक बच्चा बरामद किया है। पुलिस ने इस संबंध में दुकानदार के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तस्वीरें बल्लभगढ़ के बस अड्डा मार्केट स्थित गोली मार्केट की है, जहां से क्राइम ब्रांच चावला कॉलोनी पुलिस चौकी और संबंधित विभागों की टीम ने एक बच्चे को रेस्क्यू किया है। टीम को लीड कर रहे स्टेट क्राइम ब्रांच के ASI अमर सिंह की माने तो इस दुकान पर यह बच्चा लगभग 3 महीने से काम कर रहा था। बच्चे की उम्र करीब 13 साल की है, जो बाल मजदूरी अधिनियम के तहत दुकानदार गलत कर रहा था। बच्चे को चावला कॉलोनी चौकी एरिया से एक बच्चे को रेस्क्यू किया है और जो बच्चा है एक दुकान पे काम कर रहा था, बाल मजदूरी कर रहा था। जो हमारे साथ बाल विकास धारा NGO है, जिला बाल इकाई की टीम है, लेबर इंस्पेक्टर हैं और भी कई साथी हैं, जिला चाइल्डलाइन है और भी कई साथी हमारे साथ, सभी टीमों के साथ मिलकर इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया था दुकान से। कितनी उम्र बताई जा रही है बच्चे की, कब से काम कर रहा है? करीब 12-13 साल बच्चे की उम्र है और जो बच्चे ने अभी बताया, जो बच्चे ने भी बताया, थोड़े टाइम से बच्चा मतलब करीब 2-3 महीने से बच्चा काम कर रहा था। क्या की जाएगी? कार्य बच्चों के बयान कराए जाएंगे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट में बच्चों के बयान होंगे, बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट क्या नाम है आदेश देती है। कौन कौन से डिपार्टमेंट आए और संस्थाएं कौन कौन है? एक हमारी स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम है, दूसरी हमारी जिला चाइल्डलाइन की टीम है, तीसरी हमारी जिला बाल शिक्षा इकाई है।